नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। तो आज हम जा रहे हैं पुलाव बनाने, और ठंड के मौसम में आसानी से गाजर और मटर सब कुछ हरी सब्जियां जो कि मिल जाती हैं, और इस सीज़न में जो कि पुलाव खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। जैसे शादी पार्टी में जाते हैं तो बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाऊंगी पुलाव। तो इसके लिए देखिए, मैंने बासमती चावल लिया है, एकदम नंबर वन वाला चावल लिया है, आधा किलो हमारा चावल है। और इधर मैंने छोटे वाले देखिए सोयाबीन लिया, इसको मैंने भिगो दिया है। इधर मैंने हरा मटर लिया है, इसको देखिए छील लेते हैं। अगर आपके पास हरे मटर ना हो तो आप सफल मटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हरे ताजे जो मटर होते हैं ना, इसका स्वाद बहुत अलग आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो पुलाव बनाने की देखिए सारी तैयारी मैंने कर ली। यहाँ पे देखिए पनीर लाए थे 250 ग्राम, इसको देखिए बड़े टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है। और यहाँ पे एक नींबू भी लिया है, और सोयाबीन थोड़ा सा भी फूला नहीं था, थोड़ा देर तक इसको छोड़ देते हैं और फूलेगा। इधर देखिए मैंने दो गाजर लिए थे, इस तरीके से हमने काट लिए हैं। थोड़ा सा मैंने काजू लिया है, और इधर मटर छील लिया। इधर देखिए दो प्याज, और थोड़ा सा हमने इसमें हरे वाले लाल मिर्च और दो हरे लिए हैं, इसको काट लेते हैं। प्याज को थोड़ा लंबे में और पतले में स्लाइसों में काट लेंगे इस तरीके से। तो मैंने पुलाव बनाने के लिए सारी तैयारी कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने चूल्हे में ईंधन को जला दिया है, पैन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे देसी घी। सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं और शादी पर हम जब पुलाव खाते देखते हैं, पनीर जब ब्राउन ब्राउन दिखता है तो कितना अच्छा लगता है फ्राई किया हुआ। तो उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर पनीर जो है कि थोड़ा सा फ्राई करूँगी। यहाँ पर मैंने आग को तेज़ किया है पनीर तलने के लिए। देखिए करके देखिए पनीर को हम डाल देंगे। फिर से दूरी पर रखकर पनीर को हम एकदम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। इधर देखिए पनीर भी इस तरीके से हिलाकर देखिए हल्का हल्का देखिए ब्राउन होने लगा अच्छे से। इसको देखिए पलट देते हैं चम्मच की सहायता से आराम आराम से। इसको बढ़िया जिस तरीके से हम चारों तरफ से लाल कर लेंगे। ये पुलाव में सब दिखते हैं ना पनीर, इस तरीके से लाल किए हुए बड़ा अच्छा लगता है, और देसी घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव में। इधर मैंने जो कि पनीर को देखिए फ्राई कर लिया है, एकदम ब्राउन दिखने लगे हैं। इनको खाली में देखिए इस तरीके से पलट लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काजू लिया, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे देसी घी में। देसी घी में जो काजू खाई जाते हैं ना, बड़ा अच्छा आता है टेस्ट इसका। तो हल्का से इसको हम देसी घी में भून लेते हैं। इधर ये काजू भी हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया है, अब इसको कटोरी में पलट लेते हैं। इधर पैन में थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला, क्योंकि सोयाबीन जो सरसों के तेल में अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सरसों का तेल डाला है। और अब इसको सोयाबीन भी हम थोड़ा तल लेंगे। सारे सोयाबीन को मैंने एक ही साथ डाल दिया है, अच्छे से इसको हम ब्राउन होने तक बढ़िया तल लेंगे उलट उलट कर। यहाँ पे मैंने देखिए सोयाबीन को बढ़िया सा फ्राई कर लिया, लाल हो गया सोयाबीन। अब इसको हम उतार लेते हैं तेल पसा कर, तेल नहीं डालेंगे। तो पुलाव हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कुकर मैंने रख दिया है। इसमें हम डालेंगे देसी घी, क्योंकि देसी घी में जो पुलाव बनता है तो टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर एक चम्मच मैंने देसी घी डाली है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। तो घी देखिए थोड़ा सा पिघलने लगा है, इससे इसको पिघला लेते हैं। इसी में तड़का लगा देते हैं। यहाँ पे आधा चम्मच डालेंगे हम जीरा डाल दे रहे हैं हम आधा चम्मच। अब जीरे को चटकने देते हैं। यहाँ देखिए कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, देखिए छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चक्रफूल और लौंग लिया है, दालचीनी और तेज़पत्ता लिया, इसको डाल देते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा काली मिर्च भी लिया, इसको डालेंगे। तेज़पत्ता डाल लेते हैं, दालचीनी डाल लेते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, चक्रफूल, लौंग और 5 से 6 दाने जो है काली मिर्च पड़ेंगे। सबका जो मसालों का जो फ्लेवर होता है ना, बड़ा अच्छा आता है। और जो खड़े सबुत मसाले थोड़े इसको भून लेते हैं, इसका जो फ्लेवर आता है बहुत बढ़िया आता है पुलाव में। अब यहाँ पे देखिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी थोड़ा सा, तो इसको डाल देते हैं। यहाँ पर अदरक है और लहसुन है, सब कुछ बना के मैंने ये डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो बारीक अदरक और लहसुन को भी काट के डाल सकते हैं अगर पेस्ट में डालना चाहे तो। इसको यहाँ पर भून लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए मैंने हरा मिर्चा लिया, इस तरीके से मैंने लंबे में काटा, इसको डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए प्याज लिया है, इसको भी डाल देते हैं। इसको चलाकर प्याज को थोड़ा सा पका लेते हैं। तो प्याज को यहाँ पे देखिए हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है, भून लिया है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं मटर। मटर डालने के बाद थोड़ा सा हम गाजर भी डाल दे रहे हैं, और मटर और गाजर को थोड़ी देर तक भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने मटर को और गाजर को थोड़ी देर तक देखिए भून लिया, इसमें डाल लेते हैं नमक। अब तो नमक हम डालते हैं स्वाद के अनुसार।
नमक डालने के बाद यहाँ पे एक चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो उसको डाल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, उसको डाल लेते हैं। बस इन्हीं मसालों जो पुलाव होता है ना बहुत टेस्टी बनता है, इसमें ज़्यादा मसाला डालने की जरूरत नहीं है, इसको चला देते हैं। इधर मैंने जो बासमती चावल लिया था देखिए इसको धो लेते हैं, ये जो इसमें धूल और बहुत साफ हो जाएगा धोने से। इधर देखिए जो सोयाबीन मैंने तला था इसको इसी स्टेज पे डाल देंगे, इसमें भी जो मसाले हैं लग गया, नमक लग गया सोयाबीन में, तो अच्छा टेस्ट आए पुलाव में, इसको चला देते हैं। अब जो मैंने बासमती चावल धुला था ना इसको भी डाल देंगे। बासमती चावल डालने के बाद देखिए इसको हम चला देंगे, चला कर थोड़ी देर चावल को ही भून लेते हैं। भूनने से क्या होता है कि पुलाव में ना चावल के बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, यहाँ पे इस तरीके थोड़ी देर तक हम चावल को भी धीरे धीरे चला कर भून लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे भूनने के बाद इसको अब इसमें हम पानी डालेंगे, नहीं तो अगर हम ज़्यादा चलाएंगे तो चावल हमारा टूटने लगेगा। चावल हमारा भून गया है और बासमती चावल के नाप से हम पानी डालेंगे। नाप कर ही डाले बनाए तब अच्छा चावल खिला खिला बनेगा, बासमती चावल है तो अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगा। तो आखिर में सबसे डालेंगे हम नींबू का रस, इससे क्या होता है चावल बहुत खिला खिला बनता है। यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस लिया था इसको डाल दिया, अब इसको चला देंगे। नींबू का रस है जो अच्छे तरीके से चावल में मिल जाए। अब प्रेशर कुकर देखिए सीटी लगा देते हैं, एक सीटी लगने तक पका लेंगे चावल को। प्रेशर कुकर में हमारा एक सीटी लग गया है तो इसको हम धीमी आँच पर रख देंगे इस साइड, हल्का हल्का जो चावल है अच्छे से फूल जाए। प्रेशर कुकर जो गैस था निकल गया है, ढक्कन खोलते हैं। तो ये देखिए चावल था, आप देख सकते कितना खिला खिला बना है, एकदम बहुत बढ़िया बना है। अब इसको देखिए हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते कि प्रेशर कुकर में कितना बढ़िया पुलाव बना है और चावल कितना खिला खिला बना है। ऊपर डाल देंगे हम पनीर जो हमने फ्राई किए थे, इसको डाल देते हैं। और साथ में जो हमने काजू भी फ्राई किए थे इसको भी डाल देंगे। तो ये देखिए जैसे शादी ब्याह में हम जाते हैं पुलाव खाते बिल्कुल वैसा पुलाव घर पे बनकर रेडी हो गया। अब ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, तो प्रेशर कुकर में बहुत खूबसूरत देखिए पुलाव बनकर रेडी हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं खाते हैं बिल्कुल वैसा पुलाव दिख रहा है। और घर पे इसको आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें देखिए एक एक दाने देखिए आप देख सकते हैं कि चावल के कितने अलग अलग दिख रहे हैं आपको। बासमती चावल मैंने लिया था, ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में भी, और ये काफ़ी हेल्दी भी है और ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। तो इस तरीके से आसानी से आप घर पर ही पुलाव बना सकते हैं। और जो मैंने काजू और पनीर डाले थे ऊपर से देखिए इसको चला देंगे कि हमारा पनीर भी गर्म हो जाए, साथ में ठंडा हो गया था। ये देखिए कितना अच्छा इसमें से भाप निकला भी, और गर्मा गर्म देखिए पुलाव अपने घर वालों को खिलाते फटाफट। और कितना बढ़िया आप देख सकते हैं इसके चावल कितने अलग अलग दिख रहे हैं आप। वो भी नहीं, खाली चावल चाहिए। हाँ। खाली चावल। तो इसको बनाना जो कि बहुत आसान है और कितने सिंपल तरीके से देखिए मैंने पुलाव बनाया है, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।